गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे न्यू एंड फ्रेश वीडियो पर। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे आपके यूट्यूब चैनल पर आप कैसे थंबनेल रख सकते हो और आपके यूट्यूब वीडियो पर आप कैसे थंबनेल रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दो ऐप्स के ज़रूरत पड़ेगी। उस दो ऐप का नाम है स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो, YT स्टूडियो, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। और दूसरा है पिक्सल ऐप, वो आपको प्ले स्टोर पर से मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपका दूसरा स्टेप, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर URL पे टाइप करना है www.youtube.com। यहाँ पर जैसे कि आ गया, और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको अपना अगर आपने पहले किया है तो आपका ये डेस्कटॉप साइट पर यहाँ पर दिखेगा। ये थ्री जो आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पर, आपको वहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का एक आइकन आ जाएगा, उसे भी उसके ऊपर क्लिक कर लेने के बाद आपको आपने फिर से आपको URL पे जाना है। इस URL पे जाने के बाद आपको वहाँ पर ये पेंसिल वाला जो आइकन दिखेगा उसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको वहाँ पर टाइप करना है फीचर्स। टाइप करने के बाद यहाँ पर लोड होएगा। लोड होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यह मेरा चैनल है, इसे आप वेरीफाई कर सकते हो। तभी वेरीफाई करने के बाद ही आप अपना थंबनेल रख सकते हो। हमने हमारा चैनल वेरीफाई कर लिया, इसलिए हम हमारा थंबनेल रख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको ब्लू बॉक्स में आपको वेरीफाई दिखता है, उसे वेरीफाई कर लेने के बाद आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, और आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे से बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद आपको अपना पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप अपना बैकग्राउंड गूगल पे से डाउनलोड करके यहाँ पर आपको आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस वाला जो आइकन दिखता है उसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी जो ऑप्शन दिखता है उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड्स में जाना है, जहाँ पर भी आपने अपना बैकग्राउंड डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमने हमारा डाउनलोड कर लिया था। फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको ये जो तीन डॉट्स दिखेंगे सेटिंग में, आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको इमेज साइज का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर भी आपको एक क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको ये जो दिखता है उसे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको दो ऑप्शंस YouTube के लिए दिए जाते हैं, YouTube चैनल बैनर, YouTube थंबनेल। तो आप हमारा YouTube थंबनेल पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपके सामने इतना छोटा इंटरफेस आ जाएगा। फिर बाद में आपको आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हो, आप कितने भी टेक्स्ट ले सकते हो। कैसे, आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन में जाना है। प्लस वाले आइकन को क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, टेक्स्ट दिया जाता है, करंट प्लेस दिया जाता है, करंट डेट, स्टिकर्स दिया जाता है, शेप्स दिया जाता है, फ्रॉम गैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये ड्रॉ एक ऑप्शन दिया जाता है जिसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले सकता हूँ। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पेंसिल वाला आइकन को क्लिक कर देना है। जब आपका ये टेक्स्ट सिलेक्ट रहेगा तभी, या आपका अगर सिलेक्ट नहीं रहा टेक्स्ट तो आपको टाइप करने नहीं आएगा। यहाँ पर जाना है पेंसिल वाले आइकन पर, और उसके बाद और पेंसिल वाले आइकन पर जाना है। पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन था भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो आपके थंबनेल का, जिसके मैं यहाँ पर वॉलपेपर लिख रहा हूँ। वॉलपेपर लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये
आपको अगर फॉन्ट्स बदलना है, स्ट्रोक रखना है या फिर शेडो रखना है, तो आपको ये दिखता है ऑप्शन, उसे आपको क्लिक कर लेना है। फिर बाद में आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है स्टाइल्स। स्टाइल्स मतलब आप अपने फ़ॉन्ट्स का स्टाइल कैसा रखते हो। और यहाँ पर आता है टू ऑप्शंस, तो आप ब्राउज़र से कर सकते हो जब आपका वाईफाई या फिर नेट चालू होता है। यहाँ पर मैं लिख हमारा स्टाइल कर लेता हूँ फिक्स, और यहाँ पर आप छोटा बड़ा कर सकते हो। फिर बाद में आपको सबसे महत्वपूर्ण अपना फॉन्ट रहेगा, उसे आपको क्या करना है, फॉन्ट रहेगा। और यह हमारा छोटा बड़ा साइज करने के लिए है। फिर बाद में आपका कलर आएगा यहाँ पर फॉन्ट्स, जैसे कि आप देख रहे हो इतना महत्वपूर्ण भी दिया है यहाँ पर। हमारे को हमारा फेवरेट फॉन्ट यही लगता है। फिर बाद में इसके बाद यहाँ पर आता है स्ट्रोक, शैडो, इनर शैडो, एम्बॉस। मैं यहाँ पर स्ट्रोक कर देता हूँ इनेबल, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पिंक वाला स्ट्रोक। फिर बाद में मैं करता हूँ शैडो पर क्लिक, इनेबल ग्रीन शैडो, ओके। फिर बाद में इनर शैडो इनेबल ब्राउन, ओके। यहाँ पर 3D टेक्स्ट भी आता है इनेबल, और आप कितना कितना पीछे करेंगे 3D टेक्स्ट को। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है, 3D शेडो दी जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी दी जाती है, मगर रिफ्लेक्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो गाइज ये हमारा थंबनेल बन गया। और आपको अगर आपका थंबनेल सेव करना है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद सेव एज इमेज कर देना है। फिर बाद में यहाँ पर सेव टू गैलरी, गैलरी पे यहाँ पर 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड लोड होएगा। वीटा ऐप काइन मास्टर जैसी है, लेकिन काइन मास्टर ना एक, तो जैसे कि आप देख रहे हो बीच में एडवर्टाइज आ गई थी, सॉरी। फिर बाद में आपको पिक्सल ऐप से बाहर निकल जाना है, और आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपके चैनल का आ जाएगा। यहाँ पर चैनल का आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है, और ये जब आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस, आपको व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लोड होएगा। लोड होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो इंटरफेस आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी अपने वीडियो पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद ये पेंसिल वाले आइकन को दबा देना है। फिर बाद में आपको यहाँ पर और पेंसिल वाला आइकन दिखेगा, उसे भी क्लिक कर लेना है। फिर बाद में यहाँ पर चेंज कर देना है। आप 1000 बार 2000 बार चेंज कर सकते हो आपका थंबनेल्स। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हो मैंने मेरा थंबनेल बना दिया था, और आप इसे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और आपका थंबनेल वहाँ पर आ जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। तो गाइज बाय।